फ्रेंड्स को नमस्कार। कैसे हैं आप? फाइनली अब चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, आपकी सब काउंसलिंग वगैरह ख़त्म हो गई है, आपको डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट ब्रांचेस सब मिल गई हैं। बस अब तो जाना है, हॉस्टल जाना है या जो दिल्ली के बच्चे हैं ठीक है उनको रेगुलर जाना होगा, ये सबको डिसाइड हो गया। लेकिन अभी कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं हुई। क्या? कि ये कॉलेज लाइफ है। बहुत बच्चे यहाँ मैसेज करते हैं, भैया कुछ गाइड करो कॉलेज लाइफ के बारे में। सिंसियर बच्चे ये सोचते हैं कि एक बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि वो बता रहे होंगे कि आपके सीनियर मिलेंगे, यार कॉलेज मस्ती के लिए बना होता है, इतनी मेहनत करके आए हो 2 साल ठीक है, अभी भी यार तुम पढ़ना शुरू करोगे, ऐसे नहीं ठीक है। एक बैलेंस बनाना होता है। मुझे लगता है कि 50-50 बैलेंस बन जाए, 50% आप पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स खेलो, एक्टिविटीज़ करो, क्लबिंग करो, लेकिन 50% आप अपने फोकस करो। अपने फोकस करने में पढ़ाई होती है, और पढ़ाई के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ करें। ये वर्ल्ड जो है बहुत कम्पिटिटिवनेस है इसमें ठीक है। अब कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस में हो गए, कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए, मैकेनिकल में हो गए, सबका सपना तो यही था कंप्यूटर साइंस करनी है। तो अब इसलिए जो वर्ल्ड है आजकल का, वो इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। उन्ना भैया से बात करो आप, चाहे ऐसे लोग कहेंगे जिसको कोडिंग नहीं आता है ना, कुछ नहीं आता। इनफैक्ट लोग तो अब जो नॉन साइंस के लोग हैं वो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो इसलिए जो हम विद्या मंदिर में, आपको याद होगा, हम स्पेशल बैच बनाते हैं एल्यूमिनाटी, जिसके अंदर सिलेक्टेड बच्चे जो बहुत मेहनत कर सकते हैं, जो मतलब 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ सकते हैं, एल्यूमिनाटी बैच बनाते हैं। इसी तरह से हमने कोडिंग ब्लॉग, जो मुन्ना भैया का, संदीप भैया का विज़न था ठीक है, वरुण कुली हैं हमारे जो उसको लीड करते हैं, तो हमने उनसे कहा कि ऐसा कोर्स बनाओ जो सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अब ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा कोर्स हो जिसमें सारी लैंग्वेजेस आए। तो हमने इनसे एक संपूर्ण नाम, बड़ा सुंदर नाम रखा इन्होंने, इंडियन नेम, संपूर्ण नाम से एक कोर्स बनवाया आपके लिए, कि जिसके अंदर वो 6 डिफरेंट डायमेंशंस होंगी, जिसके 2-3 डायमेंशन में बात करता हूँ जो मुझे याद रहते हैं। DSA है, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है, कम्पिटिटिव कोडिंग होती है, और वेब डेवलपमेंट है, एंड सो ऑन। तो एक ऐसा कोर्स है जो बिल्कुल आपकी सारी नीड्स को पूरा कर देगा ठीक है। होता क्या है कि एक कोर्स करता है लोग, तो दूसरा कोर्स करता, तीसरा करता है, वो भूलना शुरू हो जाते हैं। तो एक कोर्स में जब रहते हैं तो सबका पुराने का एक रिवीजन जैसा होता रहता है, रिकॉल कराते रहते हैं। प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होगी, जो एक्सरसाइजेज होंगी आपकी, जो एक प्रोजेक्ट होगा उसमें सब कुछ इन्वॉल्व करो, ये मैंने इसे रिक्वेस्ट करी। फाइनली ये कोर्स हो गया ठीक है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम निकालिए। जो लोग दिल्ली में हैं उसको फिजिकली करते हैं, सैटरडे संडे होता है ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं वो आप इसको लाइव कोर्स को बोलते हैं लोग, जिसको हम जो ऑनलाइन कोर्स बोलते थे, वो शाम को होता है आपके कॉलेज के बाद ठीक है। टोटल इंटरेक्टिव कोर्स है ये, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। इस तरह का कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। इससे क्या होगा कि आप जो अलॉन्ग विद द इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी ब्रांच कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, वो थोड़ा जल्दी सीखेंगे चीज़ों को। नॉन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, उनको तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई हमें कोडिंग आनी चाहिए। आजकल तो ऐसा है कि मैं देखता हूँ सिविल इंजीनियर जाके कोडिंग कर रहा है, टेक्सटाइल इंजीनियर जो मेरी ब्रांच थी वो लोग कोडिंग करके पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इट इज़ मेड फॉर एवरीवन ठीक है। और ये करीब 15-18 मंथ का हमने टाइम रखा है इसमें, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि 6 कोर्स कंबाइंड हो गए, टाइम चाहिए। आप 4 महीने कोर्स करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो, मतलब यू कैन गेट पेड ठीक है जी। आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, हमारे कोडिंग ब्लॉक की कंपनी ही आपको गाइड करेंगे कैसे हो सकता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बेसिकली इसके पीछे ये था कि यार बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जब लोग अकल आती है टाइम निकल जाता है। 2 साल के बाद आएंगे, भैया हम कोडिंग सीखना चाहते हैं, हम कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, हम इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, हमें नहीं करनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमें कोडिंग वर्ल्ड के अंदर ही जाना है। क्योंकि आप मुन्ना भैया की एक दो वीडियो वगैरह देखी होंगी कि वर्ल्ड बिलोंग्स टू कोडिंग। तो इसलिए था कि आपका कोर्स शुरू किया जाए, और लंबा कोर्स इसलिए किया जाए कि सारे इंग्रेडिएंट उसी के अंदर आ जाए, और वन स्टॉप सॉल्यूशन वो हमारा फेवरेट जो विद्या मंदिर का सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। और 4 महीने बाद आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी ठीक है। यू विल स्टार्ट अर्निंग, यू विल स्टार्ट पेइंग फॉर द फीस ऑफ दिस कोर्स योर सेल्फ। इससे बढ़िया क्या होगी, आपको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं लेनी पड़ेगी, ये खास बात थी इसके। और जो आपके सपने होते हैं कि बेस्ट से बेस्ट टॉप कंपनी में जाना है, गूगल, अमेजन, फेसबुक वगैरह, वो सब पूरे हो जाते हैं अगर आपको कोडिंग आती है। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो IT से नहीं है और आपके जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं। तो वही लोग हैं जो बहुत सिंसियर थे राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, वो टाइम को वेस्ट नहीं करते थे अपना जो है ठीक है, एक्टिविटीज़ करो, स्पोर्ट्स करो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए भी कुछ काम करो, ये चीज़। और जब ये कोडिंग जैसा कोर्स करते हो, इसका मतलब आप टाइम को
यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है। ये डिसिप्लिन पैदा होता है तो आप अपने कोर्स में जो पढ़ रहे होते हो उसका CGPA भी अच्छा बनाते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी एक सर्टिफाई करो हमारे कोर्स को, आप इसमें दो कोर्स को आप कहीं और भी जाके अप्लाई करोगे, आप जब MS में अप्लाई करोगे कह सकते हो मैंने ये कोर्स ये किया हुआ है जिसकी डिटेल फीचर। तो बस अब आपके ऊपर है, उन्हें से उन्होंने न्यू मैंने आपको बता दिया हम कैसे कोर्स कर रहे हैं। हम जो करते हैं अच्छे से करते हैं, एक्सीलेंट चीज़ें करते हैं, हम कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें करते नहीं है। जय विद्या मंदिर रिकॉर्डिंग ब्लॉक हो, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारी टीम जो है आपको अच्छे से डिलीवरी कराएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरा फेवरेट है IIT की तैयारी में, तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत कराएगी। जब हमने कोडिंग ब्लॉक शुरू किया था तो मुन्ना भैया ने प्रॉमिस किया था 100 यहाँ पे आपको कोड लिखने पड़ेंगे, तो मैं वो एग्जांपल आपकी पढ़ाई में देता हूँ। बस मैं तैयार बैठा हूँ आपको, अगर मेरी आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी कोडिंग ब्लॉक मेरे साथ ही है, ठीक है जी। मैं वैसे ही मेंटर हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कोडिंग ब्लॉक कंपनी, ठीक है। कोई मेरी हेल्प की जरूरत पड़े या गाइडेंस की जरूरत पड़े, वी आर फॉर यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। बाकी आप देखें वेबसाइट विजिट करें, इसमें जो है बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। मैंने कहा है मंथली प्लान भी बना दो, EMI जिसको बोलते हो आजकल, जो है काफ़ी मतलब जो है फ्रेंडली है, इसकी फीस वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी फीस नहीं है। आप जाएं डिटेल में देखें, बता देंगे आपको मेरी टीम जो है कोडिंग ब्लॉक की फीस वगैरह होगी क्या डिटेल कोर्स की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंजॉय।